इंडियन और फुटबॉल का सीजन स्टार्ट हो चुका है। तमाम खिलाड़ी डूरंड कप में हिस्सा ले रहे हैं। कुछ प्लेयर्स ऐसे भी हैं जो डूरंड कप का हिस्सा नहीं है, लेकिन उनके लिए प्री सीजन स्टार्ट हो चुका है। अपने अपने क्लब्स के साथ वो ट्रेनिंग कर रहे हैं और खुद को आने वाले सीजन के लिए तैयार कर रहे हैं। आज हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं, जिनके इंट्रोडक्शन के लिए बहुत ज्यादा शब्दों की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर कोई इन्हें जानता है। इंडियन सुपर लीग में गोल करने वाले यंगेस्ट प्लेयर हैं और अंडर 17 वर्ल्ड कप भी इन्होंने खेला है। कुल मिलाकर इंडियन फुटबॉल का एक उभरता चेहरा है और इन्होंने इंडियन फुटबॉल में खुद को स्थापित कर चुके हैं। तो बिना किसी देरी के हम स्वागत करेंगे कोमल थाटल का, जो इस समय जमशेदपुर FC के लिए खेल रहे हैं। कोमल, आपका स्वागत है गोल बोल्ड में। थैंक यू। कोमल, जो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि आपने फुटबॉल खेलना किस एज में स्टार्ट किया था, और किस एज में जाके आपको ऐसा लगा कि आपको इसी गेम को अपना करियर बनाना है? स्टार्ट तो काफी पहले किया था, जब 6-7 साल का ही था। जी एंड प्रोफेशनली व्हेन आई वाज 13 आई स्टार्टेड प्लेइंग फॉर इंडिया जूनियर टीम। तो तब से ही प्रोफेशनल स्टार्ट हो गया था। ओके। हम आपके इंस्टाग्राम पे वैसे तो बहुत सारी पोस्ट नहीं है, ये थोड़ा अजीब भी लगा मुझे, क्योंकि आज के टाइम में सोशल मीडिया का प्लेयर्स काफी इस्तेमाल करते हैं। बट आपके में मुझे लग रहा है कि 10 या 11 फोटोज हैं खाली इंस्टा पे। तो उसमें एक फोटो में मैंने देखा आप वो गिटार लेके बैठे हुए थे, तो उसका क्या सीन है? आप गिटार बजाना आपको पसंद है या बस केवल वो पोज के लिए था? नहीं, ऐसा म्यूजिक थोड़ा पसंद है मुझे, तो उसमें ही सॉर्ट ऑफ अ हॉबी। अच्छा, तो मतलब अगर आप फुटबॉलर ना होते तो क्या आप म्यूजिशियन हो बन सकते थे? ये मे भी क्या पता हो सकता मतलब इंटरेस्ट है आपको म्यूजिक में। है। राइट राइट। और एक और चीज थोड़ी रिसर्च में पता चली है कि पिज्जा को आप एज ए चीट फूड खाते हैं। तो चीट फूड के बारे में जितना हमें पता है कि एक सर्टेन डे या एक सर्टेन मंथ में प्लेयर्स जो एथलीट्स हैं प्रोफेशनल, वो थोड़ा बचा के खाते हैं। तो आपके साथ क्या है, आप पिज्जा मतलब संभाल के खाते हैं या फिर जब मन आता है जब खा लेते हैं? नहीं, डिपेंड करता है। नहीं, ऐसा खाना ही है, ऐसा भी नहीं ना। सीजन जा रहा है तो इट्स बेटर नहीं खाए तो अच्छा है। तो ऐसा कुछ नहीं, चीट मील ऐसा स्पेशली कुछ वो नहीं है। अच्छा। और अब माँ के हाथ का खाना तो जाहिर सी बात है हर किसी को पसंद होता है, आपको भी पसंद होगा। तो अगर माँ के हाथ से खाना खाने को मिले तो कुछ स्पेशल फरमाइश होती है कि मुझे ये ही चीज खानी है? नहीं, मैं इतना खाने के मामले में इतना वो नहीं है। अच्छा, व्हाट एवर इज देयर फाइन ना, चल जाएगा। कुछ भी खा के काम चला चलना लेते है। हैं। हाँ, या राइट। ओके। और जैसे आपकी फैमिली बैकग्राउंड की अगर बात करें, तो माँ और पापा दर्जी का काम करते थे, फिर आपने वहाँ से फुटबॉल खेलना जो कि एकदम अलग प्रोफेशन हो गया। तो जब भी एक बात होती है ना कि फैमिली के सपोर्ट कितना वो होता है, तो जब आपने उनसे बोला कि आपको मतलब फुटबॉल खेलना है और इसमें अपना करियर बनाना है, तो उनका रिएक्शन कैसा था और थ्रू आउट द करियर आपके उनका सपोर्ट कैसा रहा? नहीं, अच्छा ही था। मैं तो छोटा से ही स्टार्ट किया था खेलने, एंड छोटा से इतना प्रॉब्लम नहीं हुआ क्योंकि हमेशा सपोर्ट किया है। और वैसे भी नॉर्थ ईस्ट में थोड़ा सा फुटबॉल का ये भी चलन भी है, तो मेरे ख्याल से उतना हाँ, डिफिकल्ट नहीं रहा होगा उनको समझाना। राइट राइट। और जब मतलब एक होता ना कि आप खेल रहे हो, आपके आस पड़ोस के लोग आपके घर पे बताते हो कि आपका लड़का अच्छा खेलता है, एक एक ऐसा मोमेंट जब पहली बार आप अपने पापा मम्मी के सामने खेले होंगे किसी भी लेवल पे कोई सा भी मैच, तो जब कभी ऐसा मैच हुआ कि आप अपने पापा मम्मी के सामने खेल रहे हो, तो वहां पे फिर आपको क्या फील हुआ और फिर मैच के बाद उनसे आपने जब बातचीत करी होगी तो उनका क्या रिएक्शन था? याद है ये कब हुआ था? नहीं, अच्छा ही, छोटा से ही देखा है वो लोग ने खेलते हुए, तो सपोर्ट किया है। अच्छा, ये इंसिडेंट ये नहीं याद है कि मतलब लाइक कि वो पहला मोमेंट कब था जब उन्होंने आपको खेलते हुए देखा कोई भी प्रोफेशनल टाइप का गेम, ऐसा कोई इंसिडेंट याद है? नहीं, ऐसा एग्जैक्टली नहीं, छोटा सा ही है। मेरे लिए तो छोटा सा प्रोफेशनल फुटबॉल ही है, जो भी है। सो देखा है वो।
और एक आपके बारे में स्टोरी मैंने ये पढ़ी है कि पुराने कपड़े और प्लास्टिक के थैलों से आप गेंद बनाकर खेला करते थे, तो ये स्टोरी क्या है? क्या ये सच है या फिर ऐसे रूमर है? नहीं ऐसे ही लाइक जब वो होता है ना लाइक स्कूल्स पे लाइक हम लोग लाइक दोस्त लोग के साथ ऐसे ही लाइक जगलिंग करने के लिए कुछ भी बना के खेल लेता था। सो वही है मतलब फुटबॉल का वो इतना खेलने का वो था कि लाइक हाँ लाइक बॉल ही नहीं चाहिए था कुछ भी बना के खेल भी मिल लेते जाए थे तो बस अपने को खेलना है। खेलना है। और आपका फेवरेट फुटबॉलर कौन है, इंडिया से भी बताइए और इंडिया के बाहर यूरोप से भी? काफी सारा है अभी लाइक जैसे बड़ा होते गया एवरी स्टेज में अलग अलग प्लेयर को देखा है खेलते हुए जो सबसे इंस्पिरेशन लेके सीखने का कोशिश करता है हम लोग तो लाइक क्रिस्टियानो मेसी नेमार लाइक सब लोग अभी नया नया जो आ रहा है सैंचो ये सब सब लोग से सीखता है हम लोग लाइक द वे आई प्ले उसके हिसाब से लाइक देख के। इंडिया में भी सब कुछ है लाइक इतना अच्छा सा प्लेयर है लाइक छेत्री भाई हो गया राइट लाइक अभी जो नया थापा सहाल एवरीवन लाइक सबसे लाइक इफ आई लर्न देन मैं सबसे ही सीखना चाहता हूँ। नेमार की बात आपने की तो आपको तो इंडिया का नेमार भी बोला जाता है, काफी लोग अभी भी ये रेफरेंस देते हैं। तो वो एक टाइम था जब अंडर 17 वर्ल्ड कप आपने खेला, फिर मेरे ख्याल से अंडर 20 तक में आपकी स्टाइल काफी ज्यादा नेमार से मिलती जुलती थी, चाहे हेयर स्टाइल हो या फिर प्लेइंग स्टाइल हो, मोस्टली हेयर स्टाइल काफी ज्यादा सिमिलर हुआ करती थी। तो उसके पीछे क्या था कि आप उस टाइम पे नेमार को काफी ज्यादा फॉलो करते थे या क्या था वो? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं था फॉलो लाइक हेयर स्टाइल ऐसा कुछ वो बस हो गया तो वो लाइक प्रोसेस में होता है ना। क्योंकि अभी तो आपका हेयर स्टाइल एकदम चेंज हो गया है, तो वो पुराने टाइम का जो हेयर स्टाइल था उसके हिसाब से अभी तो थोड़ा सा मतलब कोई देखेगा तो पहचान नहीं पाएगा कि वही कोमल है ये। तो वो हेयर स्टाइल का मतलब आइडिया कैसे आता था कि मतलब मुझे ऐसी ऐसे बाल रखने हैं इस तरीके से? नहीं नहीं ऐसे ही लाइक हो जाता है ना कभी कोई व्हेन यू कट योर हेयर हाँ ठीक है लाइक मतलब कोई ऐसे प्लानिंग नहीं, बस उतना नहीं कि प्लान उतना नहीं उतना उसके अंदर अच्छा अगर कभी आपको नेमार से मिलने का मौका मिले कि लाइक आप कहीं जाए या नेमार इधर आ जाए, तो नेमार के साथ आप टाइम कैसे स्पेंड करना चाहेंगे कि लाइक उनके साथ आप गेम खेलना चाहेंगे या डिनर करना चाहेंगे या उनके साथ पार्टी करना चाहेंगे, क्योंकि वो पार्टी के लिए तो काफी फेमस भी हैं। नहीं लाइक जितना हो सके वो उससे सीखने मिले तो अच्छा है ना फुटबॉल खेल के लाइक गेम्स खेल के लाइक जो भी होता है। मतलब आपका फोकस फुटबॉल से बाहर बिल्कुल नहीं जाने वाला है, जहां भी आप होंगे आपको फुटबॉल से ही जुड़े रहना है, सीखना है बस। ये अच्छी स्पिरिट है। आप ब्राजील के खिलाफ आपने गोल किया, और जहां तक मुझे पता है कि आप ओनली इंडियन हैं ब्राजील के खिलाफ गोल करने वाले, तो ये अपने आप में काफी बड़ा अचीवमेंट है। तो वो गोल करने के बाद फिर लोगों ने काफी सराहना भी की होगी, आपको कई सारे मैसेजेस भी मिले होंगे, तो उसके बाद क्या फीलिंग आई थी और अब तक क्या लगता है कि वो गोल करके आपको क्या हासिल हुआ, क्या क्या मिला? नहीं वो टाइम पे लाइक बहुत इम्पोर्टेंट था मेरे लिए थोड़ा सा लाइक यू नो एक कॉन्फिडेंस अगेन करने के लिए भी एंड दैट मैच वो अच्छा था मैच काफ़ी अच्छा प्लेयर्स लोग आया था एंड आई स्कोर्ड लाइक जिसमें काम कर रहा था हम लोग से पहले वो लाइक कोच के अंडर सो वही चीज़ लाइक पिच पे दिखा एंड अच्छा था लाइक उसके बाद लाइक एक्सपोजर मिलने लग गया हम लोग पूरा टीम को वी स्टार्टेड प्लेइंग आउटसाइड तो वो सब में बहुत सीखने मिला बस आपके बारे स्पेशली में, वो गोल के लिए नहीं लाइक जी, हाँ बोलिए आपके बारे में ये भी चीज पता चली है कि यूनाइटेड की स्काउटिंग टीम भी काफी टाइम से निगाह बनाए हुए है, तो इसके बारे में कुछ बताएंगे? वो मुझे वो आइडिया नहीं कुछ कुछ चीज रूमर्स ही रहता है ना तो आई अच्छा, डोंट हैव एन आइडिया तो सपोज अगर कभी मैनचेस्टर यूनाइटेड से कोई आए और ओल्ड ट्रैफर्ड जाने का ऑफर दे, तो फिर क्या होगा, कैसा लगेगा? ये तो श्योर है कि आप जाना नहीं लाइक तो हाँ ऑफ कोर्स लाइक इंडिया के लिए अच्छा हो जाएगा सब बस मैं नहीं कोई भी गया तो लाइक इंडिया के लिए जैसे कि लाइक यू नो वर्ल्ड स्टेज में अच्छा हो जाएगा ऑब्वियसली लाइक
अपॉर्चुनिटीज तो ग्रैब करना पड़ेगा। जरूरी है। एक क्वेश्चन ये है कि लाइक जब आप जूनियर लेवल पे थे, यानी कि आप अंडर 17 खेल रहे हो या 19 या 20, तो उस समय एक सेंसेशन टाइप का था कि आप न्यूज में भी काफी ज्यादा थे और काफी ज्यादा चर्चा भी हो रही थी। देन जब सीनियर करियर शुरू हुआ तो जूनियर के हिसाब से सीनियर करियर में अभी उतनी चर्चा नहीं हुई, तो इस चीज को आप मतलब कैसे देखते हैं और इसको आप कैसे मतलब इसे टैकल कैसे करते हैं कि लाइक आप वहां पे इतना ज्यादा आपकी बात हुई, यहाँ पे उतना नहीं है, तो आपको मैनेज करना कैसे वो होता है। नहीं, वन थिंग तो मुझे जो बाहर का नॉइज़ होता है मुझे उतना इफेक्ट नहीं करता है। मैं अपना क्राफ्ट को आगे बढ़ाने का ट्राई कर रहा हूँ, जितना भी हो, फेमस हो नहीं हो, इट डजेंट मैटर टू मी। बस मुझे अपना आई हैव टू बिल्ड माई फ्यूचर, एंड अच्छा फुटबॉल में सीखते रहो, अच्छे करते रहो, क्योंकि यही करते आ रहा है। आई एम डूइंग द सेम थिंग। अप्स एंड डाउन्स होता है एवरी प्लेयर के साथ, बट आई एम वर्किंग ऑन इट ताकि आई विल डू बेटर इन फ्यूचर सर। मुझे लगता है शायद आप इसी वजह से सोशल मीडिया भी बिल्कुल यूज नहीं करते हैं ताकि आप इन सब नॉइज से बच के रह सकें। नहीं, बचना नहीं है ऐसा, उतना इंटरेस्ट भी नहीं है अभी। जस्ट खेलना है, एंड जितना हो सके फोकस इधर फुटबॉल पे डालेंगे तो बाकी सब तो होते रहेगा, राइट? वो सब सो इतना अभी के लिए इफ आई प्ले वेल सब लोग आके देखेगा ना, बस मैं इंस्टाग्राम पे वो करके ये करके देखना नहीं चाहता। मैं मेरा गेम के लिए आने के लिए आई विल ट्राई टू प्ले वेल। सो आपके लिए लास्ट सीजन जो था वो अच्छा था, उसमें आपको चांसेस भी काफी मिले, तो इस सीजन आपकी तैयारियां कैसी हैं? मतलब अपने आपको किस तरीके से तैयार कर रहे हैं कि ताकि इस वाले सीजन में आपको पिछले सीजन से भी ज्यादा चांसेस मिले और ज्यादा गेम टाइम मिले? वही मेन तो वही है। इसके लिए आई हैव बीन ट्रेनिंग ऑफ सीजन पे भी वर्किंग ऑन, तो वही है कि ज़्यादा गेम टाइम मिले और गोल्स मिले, तो उसके लिए तो ऑब्वियसली एवरी प्लेयर मेहनत करता है। बट आई हैव बीन पुटिंग वर्क इससे पहले भी, अभी स्टार्ट हुआ है तो लेट्स सी, आई एम गोना डू एवरीथिंग आई कैन। बाकी डिसीजन तो मेरे ऊपर नहीं होता है, बट फ्रॉम तो माई एंड आई एम गोना वर्क हार्ड। जैसे लास्ट ISL सीजन के बाद आपको तो एक अच्छा खासा ब्रेक भी मिला होगा, तो आप बता रहे कि आप ब्रेक में भी ट्रेनिंग कर रहे थे, तो ये जो भी ब्रेक था हाँ, उस टाइम का आपका रूटीन क्या था, कुछ बताएंगे? रूटीन मोस्टली स्ट्रेंथ पे था, जिम पे स्ट्रेंथ, रनिंग, ऑल दिस थिंग्स आई हैव डन, एंड थोड़ा फुटबॉलिंग का पर्सनल ट्रेनिंग। तो ये मतलब आप अपने घर पे ही थे या कहीं और? हाँ, घर पे भी था, ट्रेनिंग के लिए गया था। अच्छा, अब एक फुटबॉल से हटके थोड़ा सवाल है कि आप सलमान खान के फैन हैं क्या? ऐसा नहीं पढ़ा, नहीं ऐसा कुछ नहीं, क्या क्या रूमर नहीं फैला हुआ है? मैंने तो पढ़ा कि नहीं वो आप रूमर्स बहुत फैला। चलिए अच्छा, मतलब आपको मूवीज देखना पसंद है या नहीं? तो हाँ ठीक, देखता हूँ मूवीज, सब मूवीज देखता मूवीज हूँ, में इंडियन क्या मूवीज, बाहर का सब, बॉलीवुड देखते हैं, हॉलीवुड क्या देखते हैं, बॉलीवुड बॉलीवुड सब देखता हूँ। और कोई फेवरेट एक्टर? फेवरेट एक्टर ऐसा कुछ नहीं है, सभी देखता हूँ मैं। हाँ, जो भी स्टोरी अच्छी लगे वो देख लेते हैं। जो जो भी स्टोरी अच्छे लगे वो। अच्छा, ये इंटरव्यू से एक अच्छी बात हुई कि आपके बारे में दो रूमर्स थे वो दोनों क्लियर हो जाएंगे अब। बहुत कुछ रूमर्स है मेरे बारे में जो आप नहीं, ऐसे ही बना के रखा है आप लोग ने। इसलिए मैंने क्लियर कर दिया। आपको ट्रेवलिंग काफी पसंद है, तो इंडिया में आपका डेस्टिनेशन फेवरेट क्या है जहाँ आपको घूमना पसंद है, और इंडिया के बाहर कौन सा वो डेस्टिनेशन है जहाँ आप घूमना पसंद करते हैं या जाना चाहते हैं? इंडिया में तो घर पे ही मज़ा आता है, पहाड़ में ही मज़ा आता है, एंड कभी कभी गोवा पे बीच पे भी अच्छा लगता है। तो बाहर का भी वही है, जिधर पे थोड़ा पीस हो वो सॉर्ट ऑफ जगह अच्छा लगता है।
मतलब आपको शांति वाली जगह चाहिए कि जहाँ ज्यादा शोर शराबा ना हो, नेचर के करीब रहना चाहते हैं। नेचर है ना, कभी कभी सिटीज भी अच्छा ही लगता है, डिपेंड्स लाइक एवरी बैलेंस बैलेंस कुछ भी ओवर नहीं होना चाहिए। ना, लाइक बैलेंस सब में सब अच्छा लगता है, पर थोड़ा थोड़ा डिपेंड करता है कितना लंबा, ऐसा नहीं एक ही जगह पे। ठीक है कोमल, इतना आपने टाइम दिया उसके लिए आपको थैंक यू। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर दिस सीजन। आप अच्छा करें और उम्मीद है कि फिर आपसे बात करने का मौका मिले। बेस्ट ऑफ लक, ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सो मच।